गाइस कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं आज बहुत दिनों बाद आपके लिए एक और प्रोडक्ट लेके आ चुका हूँ, जो कि है ये वाला मैट जो कि हम अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी जो आने वाली वीडियो है, जो वीडियो चल रही है, बहुत अच्छी लग रही होगी स्विफ्ट की, थार की। और ये अपनी वाली स्विफ्ट है जो कि हम इसको भी टॉप नॉच मतलब बनाने वाले हैं बढ़िया वाली तरीके से। तो पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भाई नहीं है, जितने भाइयों को GFX मैट के बारे में नॉलेज मिल रही है तो सब्सक्राइब मार लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बाकी सारी डिटेल बताऊंगा आपको अब। तो गाइस इसकी ना अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो ये कुछ बॉक्स रहता है वैसे तो, और ये अपनी गाड़ी भी है। गाड़ी के अंदर अभी तो बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ, बाहर से बिल्कुल सिंपल गाड़ी है अपनी, बट यहाँ पर मेरे को मैट की जरूरत थी। पहले मैं गाड़ी के अंदर की हालत दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसी हालत है अभी गाड़ी की, ये देखो यहाँ पर मैट जो डले हुए हैं, ये कपड़े वाले जो कंपनी से आते हैं ना, मारुति वाले मैट जो आते हैं, ये वो डले हुए हैं। उसके बाद ये कंपनी ने डाल के दिया था मेरे को, मेरी गाड़ी सर्विस पे गई थी। एंड देन दोनों साइड का जो हाल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपना गुजारा नहीं चल रहा था क्योंकि इस तरीके से ना गंदे हो जा रहे थे ये, और इसको क्लीन करने के लिए ना मेरे को बार बार मेरे को इसके अंदर क्या करना पड़ रहा था, मतलब वैक्यूम कराना पड़ रहा था गाड़ी को। तो वैक्यूम से बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे को आ रही थी कि वो कपड़ा जो होता है ना वो रुएदार सा बेकार हो जाता है। तो अभी हम इसको ना अनबॉक्स करते हैं। भाई इसको अनबॉक्स कर रही हो यार, इसको हम अनबॉक्स करते हैं यार नीचे उतारो से। ये रखो, ये देखो पहली बात तो इसके ऊपर ना जो चीज़ें वो लिखी हुई है वो पढ़ लो। GFX मैट होता है लाइफ लॉन्ग फ्लोर मैट, इसमें बिल्कुल सच्चाई लिखी हुई है और फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। मतलब ये आपको ना शायद आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम देखने के लिए मिला होगा ऐसे अनबॉक्सिंग वाला सीन, बट मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और अगर ये जिस भाई का है ना GFX मैट, अगर वो भी देख रहे हैं अपनी इस वीडियो को, क्योंकि ना तो ये स्पॉन्सर है ना कुछ है, मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आपको दूर दूर तक पहुँचाऊँ इसको, तो मैंने सोचा इसको आप ऑर्डर भी करना मेरे पास से, मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा। हर गाड़ी का ये अवेलेबल हो जाता है, नई वाली तो जितनी गाड़ियाँ हैं सबके लिए हो जाएगा। बेसिकली अपनी जो गाड़ी है वो 2018 से काउंट होती है, 2023 तक अभी तक सेम ही है गाड़ी। गाड़ी के इंटीरियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस फ्रंट साइड में बम्पर का डिफरेंस आया था ग्रिल का, बम्पर का भी नहीं सिर्फ ग्रिल का डिफरेंस आया था। तो यहाँ पर जो मैट है ना वो देखो, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर ना आपको लेफ्ट और राइट भी लिखा होता है कि कौन सा आपका लेफ्ट का है कौन सा आपका राइट का है। यहाँ पर देखो ये लिखा लेफ्ट हैंड, ये लिखा राइट हैंड, और ये वाला है अपना बैक साइड का, ठीक है ये चीज़। और इसको अगर हम बाहर निकालेंगे ना भाई, तो ये जो क्वालिटी है ये एक अलग ही क्वालिटी है। इस पर ना सारे क्वालिटी भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, ये देखो 100% ऑर्डरलेस, ठीक है, लेज़र मेजर्ड कस्टम फिट, फिटिंग एकदम प्रॉपर है। थार जैसे भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जितने भी थार वाले भाई है ना वो 70 वगैरह को नहीं लगवा रहे, वही लगा रहे। क्लीन एंड वाटर रेसिस्टेंट, बिल्कुल सही लिखा है, आप इसको बहुत इजी क्लीन भी कर सकते हो और पानी भी से भी कोई इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और फिट परफेक्टली फ्रॉम एच टू एच, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब भी इसे फिट करोगे ना बिल्कुल एच टू एच फिट होता है, जैसे कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने। और हाई डेंसिटी कोर मटेरियल है ये, तो कोर मटेरियल बेसिकली कुछ ये वाला मटेरियल होता है, इसको आप मोड़ लो तोड़ लो कुछ भी कर लो, जब तक आप इसको किसी चीज़ से काटोगे नहीं, मतलब कोई सीजर जैसी चीज़ से कोई काटोगे नहीं, तब तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। भाई अभी ना हम एक मैट खोल के दिखाएंगे आपको यहाँ से, ये कुछ अभी तक मैंने खोला भी नहीं था, मैंने सोचा था पहले आपको ना दिखाऊंगा। मेरी गाड़ी के अंदर बेसिकली जितने भी मोड होने वाले हैं, और 2-3 मोड हो भी चुके हैं, लाइक आधी गाड़ी हमने काली करा दी है, आधी गाड़ी जो मतलब ये होगी डुअल टोन है बेसिकली, अभी हेडलाइट फॉग लाइट बहुत सारी चीज़ें है, ग्रिल भी चेंज होगी, फिर पूरी किट विट सब कुछ चेंज कराएंगे, इवन अलॉय तक नहीं लगे हुए, तो ये सारी चीज़ें चेंज होगी। उसके लिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको एक मतलब बढ़िया वीडियो मिलेगी देखने के लिए। अब इसकी क्वालिटी देखो भाई, ये देखो यहाँ पे एक तो आपको GFX की ना ब्रांडिंग मिल जाती है, ये है इसका ओरिजिनल वाला सीन। इसमें कई कॉपीज भी आ रही हैं तो कॉपी मत लेना, इसमें आपको GFX मैट वाला प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा। और ये देखो पीछे वाली साइड में GFX की ब्रांडिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बंदा कहीं भी बैठ जाता है, इसमें क्या है साइड में रहता है बंदा, पैर यहाँ रखता है हमेशा, तो ये वाली कोई दिक्कत वाली, इन्होंने मतलब अलग से स्पेस बना के इसके अंदर लगा रखा है, तो ये चीज़ बढ़िया है। पहले बता दूँ फिर आप कहोगे कि मतलब आगे के ओरिजिनल दे दिए पीछे के लोकल दे दिए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आगे वाले दोनों के अंदर ही इस साइड भी आपको ये देखो GFX मिलेगा। ये कुछ कटोरी टाइप के होते हैं कुछ इस तरीके ना, ये देख रहे हो 5D टाइप के इस तरीके के हैं, इसमें जितनी भी डस्ट जाती है, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ इसके बाद, जो कि हमारी नियोस के अंदर मैंने 4 महीने पहले इंस्टॉल किया था और अभी तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, एक बार पहले वो क्लिप एंजॉय करो भाई। एक ना हमने इस गाड़ी के अंदर भी डाले थे, देखो इसके अंदर भी GFX मैट डले हुए हैं। मैंने ना देखो मैं चाहता तो आपको इसको ना साफ करके भी दिखा सकता था, बट मैं इसको साफ करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ये कुछ इस तरीके से गंदे होंगे, अगर गंदे होते भी हैं तो। यहाँ देखो मिट्टी सारी इसके अंदर ही रुकी हुई है, इस बीच में जिस बीच में आपके पैर रखे जाते हैं चलते हैं, तो इस मिट्टी को आप इजी टू क्लीन रहता है। और इसको डाले हुए ना अप्रोक्स हमने, ये गाड़ी जो अपनी आई थी ना नवंबर के आसपास आई थी, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, ये देखो
ये 2 नवंबर के आसपास गाड़ी आई थी और अप्रोक्स में 4-5 दिन या 5-7 दिन के अंदर नए वाले मैट डाल दिए थे। तो नवंबर के मैट आज फरवरी में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ देखो भाई, मतलब कुछ मैटों का तो कुछ हुआ ही नहीं है, आगे पीछे वालों को देख लो। ये लॉन्ग लाइफ वाले मैट रहते हैं, तो अगर आपने इंस्टॉल कराने आप लोग भी करवा सकते हो। बाकी अपनी गाड़ी में लगने के बाद दिखाता हूँ आपको इसका फील जो है वो नए फील कैसे होता है, बढ़िया लगेगा। जैसे आपने थंबनेल में देखा ना सेम ऐसे लगते हैं, कुछ नहीं करना सिर्फ आपको साफ करना है इसको और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि अब आपको मेरी गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे। गाइस आपने ना क्लिप तो एंजॉय कर ली होगी और अब आप देखोगे मेरी गाड़ी के अंदर लगता हुआ इसको, जो कि बहुत अच्छे मैट है भाई। मेरे को ना अभी तक मैं इतने ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ GFX मैट को। तो भाई GFX मैट वाले भैया आप ना थोड़ा सा मुझे अपना वो दे देना कि हाँ मैंने प्रमोशन करा आपका, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ये चीज़ है कि ये जो मैट है ना परचेज वाले हैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है। एक बार हम इसको इंस्टॉल करते हैं, कौन सी साइड का है भाई ये वाला? राइट, ये वाला लगाते हैं हम, ये उस वाला राइट वाली साइड का है, ये लेफ्ट वाली साइड का है। तो एक बार इसको हम लगाते हैं राइट लेफ्ट करके, कैसे फिट होंगे ना आपको सामने दिखाऊंगा अभी, फिट करके कैसे होंगे। गाड़ी में ना कुछ इस तरीके से लगते हैं, ये देख रहे हो, एक तरीके से मान लो गाड़ी के फ्लोर पे लग रहे हैं, बट अब हम प्रॉपर आपको ना गाड़ी में रख के दिखाएंगे। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद देखो फील की इतनी ज़्यादा भारी, इतनी ज़्यादा रोड पर, मतलब इतना गंदा रोड है उसके बाद भी इतनी अच्छी फील आ रही है, सोचो गाड़ी में कितनी ज़्यादा बढ़िया आएगी, जबकि आपकी गाड़ी जो है वो बहुत क्लीन रखते हो आप लोग। तो एक बार उसको इंस्टॉल करते हैं। देखो क्या हुआ था कि मैं कल ना गाड़ी अपनी जब लेके आया था तो ये देख रहे हो कल से आज में इतनी ज़्यादा गंदा हो गया, इवन गाड़ी भी इतनी नहीं चली, मुश्किल से मुश्किल 15-20-25 किलोमीटर चली होगी और ये देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया। अब इसको साफ़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वैक्यूम की, ऐसे तो साफ़ होने वाला है नहीं, बट यहाँ पर अगर मैं कपड़ा ही मारूंगा तो भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। देख रहे हो ये देखो अभी भी गंदा ही पड़ा हुआ है, तो इसको तो हम बाद में देख लेंगे क्या सीन है, अभी हम इसको लगाते हैं ठीक है। अभी ये कुछ एरिया ये वाला भी ना देखो कितना ज़्यादा गंदा हो गया, तो उसको अभी ऐसे रखते हैं हम, जो मैट लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। पहले इसको ना इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है, बस आपको ऐसे करना है, ये देखो ऐसे अंदर करना है ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली सेट होता चले आएगा। ये देखो हो गया पूरा का पूरा ना कर्व है, जहाँ मर्जी से ले लो। और आप गाड़ी की फील देख लो भाई, आप बताओ कैसी लग रही है गाड़ी, आप खुद बोल दोगे गाड़ी में ना मज़ा आ गया भाई। आगे पीछे वाले उठा के लेके एक बार, वो भी लगाते हैं, इसका डब्बा भी हटाते हैं पहले। एज यू कैन सी पीछे कोई नहीं बैठा था, तो ये मैट आप सोच सकते हो कि पहले से साफ थे, मतलब आगे वाले भी साफ ही थे। और यहाँ पर भी हमें इंस्टॉल करने में कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे इसको थोड़ा सा धक्का देना है और ये बिल्कुल फिट एकदम बढ़िया, देख रहे हो ये देखो, कहीं से उठाव नहीं है, कहीं से कुछ, जैसा कंपनी में बना के देती है ना बहुत अच्छा ही देती है। और आप फील देख लो भाई ठीक है, आप खुद बोलोगे कि अब जो है ना मैट में बिल्कुल मज़ा आ गया, गाड़ी के अंदर बैठने पे अलग ही फील आएगा। और इसको इजी टू क्लीन है, कुछ नहीं करना, गीला कपड़ा लो साफ़ कर लो, इतना ज़्यादा क्लीन अगर आपको मिल जाए करने के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि शायद आप लोग इस चीज़ को छोड़ोगे, बिल्कुल भी मेरे को फील ही नहीं आता कि आप लोग छोड़ने वाले हो इस चीज़ को। भाई अगर आपको ना ये वाले जो मैट है ऑर्डर करने हैं ना, तो आपने क्या करना, पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। इसका प्राइस अप्रोक्स आपको पड़ता है, छोटी गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, मेट्रो जा रही है यहाँ से, छोटी गाड़ी की बात करूँ तो इसका प्राइस जो आपको पड़ेगा वो अप्रोक्स मान के चलो 3200 छोटी गाड़ी का पड़ता है आपको। ये कुछ क्वालिटी रहेगी इसमें, कोई भी कॉपी वाला सीन नहीं होगा, मेरे पास से जितने भी आएंगे पूरा फिट में मतलब फिट वाला सीन होगा। देख रहे हो मतलब कुछ नहीं करा, आपके सामने लाइव फिट करके दिखा दिया आपको, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता भाई। लाइव फिट जिस बंदे ने दिखा दिया हो ना, समझ लो कि वो चीज़ ओरिजिनल है, जेन्युइन है, बढ़िया है। तो 3200 से 3500 का छोटी गाड़ी का ये मिलता है आपको, और अप्रोक्स 1000 रुपीज़ या 1200 फालतू आप और समझ लो, जिसमें आपको पीछे जो बड़ी गाड़ी आती है 7-सीटर उसमें भी आपको पीछे तक का मिल जाता है, तो वो 7-सीटर वाला सीन अलग होगा। लेकिन इसमें डिग्गी इंक्लूड नहीं होती है, अगर किसी भाई को डिग्गी लेनी है तो सिर्फ डिग्गी वाला जो वो 1500 रुपये के आसपास का आता है। तो जो भी प्राइसिंग होगी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, हर गाड़ी का अलग अलग प्राइस होता है। फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो के यहाँ पर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। तो एक मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ से ना रिव्यू ले लेते हैं भाई, ये GFX वाले मैट कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। अभी जो हमने वो देखे थे नियोस में देखे थे, 4 महीने हो गए नवंबर से यूज कर रहे थे उस गाड़ी में हम, तो वो कैसे लगे कि मतलब जब से अब तक की क्वालिटी बढ़िया लगी? बढ़िया। और भाई को ना मैंने अभी गलती से क्या करा था, भाई मतलब चल रहा था ट्रेंड में, ये GFX मैट थोड़े कम ट्रेंड में थे और मैंने इतने ज्यादा देखे भी नहीं थे, तो मैंने भाई की गाड़ी में डलवा दिए थे। कौन से मैट भाई? वो थे ना वो 70 थे। 70 में क्या इशू आया उसके अंदर? उसकी जो वो थी
ग्रास क्या कहते हैं उसको, ग्रास हो गया और पीछे नीचे का कपड़ा हो गया, नीचे वो का कपड़ा और क्लिपे वगैरह थी ना वो थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई और प्रॉपर फिटिंग नहीं। अब पीछे वाला तो कह रहा था बिल्कुल ही फट गया, पीछे वाला बिल्कुल ही खराब हो गया है ना। तो भाई इसकी जो सीन है ना वो मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं किसी दिन ना जब उसे चेंज करेंगे ना तो मैं चेंज करते टाइम एक और वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोग दोबारा से ऑर्डर कर पाओ, मतलब ऑर्डर तो आप कर ही लोगे। बाकी आप लोग मेरे नंबर पे जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पे ऑर्डर कर लेना ऑनलाइन, GFX मैट वहाँ आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में बढ़िया मिलता है। और ये बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं है, है तो कॉपी है, तो थोड़ा ध्यान से रहना उस चीज़ को। ओरिजिनल चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है, इस चीज़ की क्वालिटी है तो मतलब सालों साल चलने वाली चीज़ है तो प्राइसिंग भी इसका इतना होगा ही होगा। तो अगर आपने ऑर्डर करना है तो भाई आप लोग ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन जो नंबर आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना Safar0612 मेरी आईडी है, जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें चलें बट आप फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर वाला दिक्कतें सारी सॉल्व कर देता है, जब इतनी सारी दिक्कतें सॉल्व कर देता तो सारी कर ही देगा। करते हैं इस वीडियो के एंड, टिल देन पीस आउट, मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, बाय बाय।